गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज हमारे अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम एच अब्राम्स का डे 11 है, और इससे पहले हम मैक्सिमम 56 टर्म्स को कवर कर चुके हैं। सो आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट मीन्स लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर विच राइम इन पेयर्स ए बी बी सी सी एंड सो ऑन। अगर हम ओरिजिन ऑफ द टर्म की बात करते हैं, सो द एडजेक्टिव हीरोइक वॉज अप्लाइड इन द लेटर 17th सेंचुरी बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सच अ कपलेट्स इन हीरोइक, दैट इज इपिक पोएम्स एंड इन हीरोइक ड्रामा। सो बेसिकली जो एडजेक्टिव हीरोइक है वो कहाँ अप्लाइड होता था, इन 17th सेंचुरी में। आइए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। सो दिस वर्स फॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लिश पोएट्री बाय जोफ्रे चौसर। जोफ्रे चौसर के द्वारा ये टर्म इंट्रोड्यूस कराया गया है इंग्लिश पोएट्री में, किसमें, इन द लेजेंड ऑफ गुड वीमेन एंड मोस्ट ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, एंड हैज बीन इन कॉन्स्टेंट यूज एवर सिंस। फ्रॉम द एज जॉन ड्राइडन थ्रू दैट ऑफ सैमुअल जॉनसन, द हीरोइक कपलेट वॉज द प्रीडोमिनेंट इंग्लिश मेजर फॉर ऑल द पोएटिक काइंड्स। इन द नियो क्लासिकल पीरियड द पोएट्स रोट इन क्लोज्ड कपलेट्स इन विच द एंड ऑफ ईच कपलेट टेंड्स टू कोइंसाइड विद द एंड आइदर ऑफ अ सेंटेंस और ऑफ अ सेल्फ सफिशियंट यूनिट ऑफ सिंटैक्स। मेजर प्रैक्टिशनर की बात करते हैं, सो इसमें जॉन डेनहम का कूपर्स हिल है, एलेक्जेंडर पोप्स का ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ वीमेन है। नेक्स्ट है हमारा हीरोइक ड्रामा। सो हीरोइक ड्रामा वॉज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा स्पेसिफिक टू द रेस्टोरेशन पीरियड एंड ट्राइड टू इमिटेट द रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ एन इपिक सच एज ग्रैंड स्टाइल अ नोबल हीरो एंड ड्यूटी टू वंस कंट्री। सो हीरोइक ड्रामा भी एक प्रकार का फॉर्म ऑफ ड्रामा था जो इस रेस्टोरेशन पीरियड में बहुत ही स्पेसिफिक था, और इसने इमिटेट किया है कि ट्राइड टू इमिटेट द रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ एन इपिक, जो भी इपिक के रूल्स और कन्वेंशंस थे उसको इमिटेट करने की कोशिश किया गया है किसमें, हीरोइक ड्रामा में। फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, सो फॉर जॉन ड्राइडन द हीरोइक प्ले इज एन इमिटेशन ऑफ अ हीरोइक पोएम एंड डील्स विद द थीम्स ऑफ लव एंड वेलर। द हीरोइक प्ले अटेम्प्टेड टू इम्युलेट द इपिक बाय एम्प्लॉइंग एज प्रोटैगनिस्ट अ लार्ज स्केल वॉरियर, द एक्शन इन्वॉल्विंग द फेट ऑफ एन एम्पायर एंड विद द कैरेक्टर्स स्पीकिंग इन एन एलिवेटेड एंड एलिब्रेट स्टाइल यूजली इन क्लोज्ड हीरोइक कपलेट्स। A noble hero and heroines are typically represented in a situation in which their passionate love conflicts with the demand of honor and with the hero's patriotic duty to his country. If the conflict ends in disaster, the play is called a heroic tragedy. अगर हम मेजर प्रैक्टिशनर की बात करते हैं और टेक्स्ट की बात करते हैं, सो उसमें ड्राइडन्स का है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा एंड ऑल फॉर लव। नैथानियल लीस का द राइवल क्वींस है। थॉमस ऑटवेज का वेनिस प्रिजर्व है। द ड्यूक ऑफ बकिंगम्स का है द रिहर्सल, और ये द रिहर्सल क्या है, इट इज़ अ मॉकरी ऑफ द जॉनरा। हेनरी फील्डिंग्स का द ट्रेजडी ऑफ ट्रेजडीज और द लाइफ एंड डेथ ऑफ टॉम थंब द ग्रेट है। अगला टर्म है हमारा हाइपरबली। सो हाइपरबली इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच इज बोल्ड ओवर स्टेटमेंट और द एक्स्ट्रावेजेंट एग्जेजरेशन ऑफ फैक्ट और ऑफ पॉसिबिलिटी यूज टू क्रिएट अ सीरियस आयरनिक और कॉमिक इफेक्ट। अगर हम ओरिजिन ऑफ द टर्म की बात करते हैं, सो द टर्म हाइपरबली इज ग्रीक फॉर ओवर शूटिंग। मेजर प्रैक्टिशनर इसके हैं बेन जॉनसन। हाइपरबॉलिक कॉम्प्लीमेंट्स टू हिज लेडी इन ड्रिंक टू मी
ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज। सो जबन जॉनसन का हाइपरबोलिक कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलता है उनकी लेडी की तरफ, किसमें? ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज में। एंड्रयू मार्वेल्स का टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस है, जॉनाथन स्विफ्ट का टेल ऑफ टब है। नेक्स्ट है हमारा इमेजरी। इमेजरी इज इमेजेस टेकन कलेक्टिवली विच मेक अ पोयम कॉन्क्रीट रेदर देन एब्स्ट्रैक्ट। और अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, सो न्यू क्लासिकल पोएट्स एम्प्लॉयड क्लासिकल एंड अर्बन इमेजरी। न्यू क्लासिकल पोएट्स ने क्या किया है? क्लासिकल और अर्बन इमेजरी एम्प्लॉय किया है। रोमांटिक पोएट्री डिस्क्राइब डिपिक्टेड सब्जेक्टिव इमेजरी एज वेल एज इमेजेस परटेनिंग टू नेचर। और रोमांटिक पोएट्री में हमको सब्जेक्टिव इमेजरी देखने को मिलती है या नेचर से रिलेटेड इमेज देखने को मिलती है। द न्यू क्रिटिक्स लेड स्ट्रेस ऑन इमेजरी इन पोएट्री। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सो सिग्निफाइज इन ब्रॉड सेंस ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड क्वालिटीज ऑफ सेंस परसेप्शन रिफर्ड टू इन अ पोएम और अदर वर्क्स ऑफ लिटरेचर। सिग्निफाइज ओनली स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ विजिबल ऑब्जेक्ट्स एंड सीन्स स्पेशली इफ द डिस्क्रिप्शन इज विविड एंड पर्टिकुलराइज्ड। सिग्निफाइज फिगरेटिव लैंग्वेज स्पेशली द व्हीकल्स ऑफ मेटाफर्स एंड सिमिलीज। नेक्स्ट है हमारा इंटेंशनल फैलेसी। सो इंटेंशनल फैलेसी इज द एरर ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड इवेल्युएटिंग अ लिटरेरी वर्क विद रेफरेंस टू द इंटेंशंस ऑफ द ऑथर इन क्रिएटिंग द वर्क। ओरिजिन ऑफ द टर्म की बात करते हैं, सो द टर्म वॉज प्रपोज्ड बाय डब्ल्यू के विमसेट एंड मोनरोसी बर्ट्सले इन द इंटेंशनल फैलेसी 1946, रीप्रिंटेड इन विमसेट्स द वर्बल आइकॉन 1964। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या है? दिस आइडिया वॉज अ फोररनर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म इन दैट इट एंटिसिपेटेड द न्यू क्रिटिकल आइडिया ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ द टेक्स्ट। Vimsett and Bursley argued that an author's intended aims and intention in writing a literary work that are supplied by reference outside the text are irrelevant to the literary critic in understanding the work. The reading of the author's intentions and meanings diverts attention from the literary qualities and value of the works of literature. फीचर्स की बात करते हैं, तो इसमें अंडर स्कोर्स द आइडिया दैट टेक्स्ट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग अदर देन इटसेल्फ। मीनिंग स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ अ टेक्स्ट आर इनहेरेंट विद इन द फिनिश्ड फ्री स्टैंडिंग पब्लिक वर्क ऑफ लिटरेचर। हाउएवर फॉर राइटर्स सच एज हेनरी जेम्स द प्रीफेसेस दैट ही राइट्स टू हिज नॉवेल्स आर वैल्यूएबल इन अंडरस्टैंडिंग पोएम्स। Generally, the text is thought to contain all the necessary information that a critic needs. अगर हम major practitioners की बात करते हैं, so इसमें the idea of intentional fallacy was reformulated by Vimsett in his Genesis, an argument resumed in Day of Leopards 1976 and by Bursley in Aesthetics 1958 and Possibility of Criticism 1970. Okay friends, thank you so much. See you again.